मैं क्वेटा के खिलाफ पर्टिकुलर में बात करूंगा, तो विक्टो के पीछे सरफराज होते होंगे, वो आपके बिल्कुल बड़े भाई की तरह मेंटोर हैं। सामने आप देखते होंगे कि मोइन भाई जो है वो मुसलसल अपना हेड स्क्रैचिंग कर रहे होते हैं, तो उस वक्त क्या फीलिंग क्या होती है आपकी? देखिए, एक बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग होती है, क्योंकि आपको पता है फादर के खिलाफ आपको पता है कि एक तो खेलना थोड़ा मुश्किल होता है और मेंटली थोड़ा टफ भी होना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है आपको दूसरी तरफ से टीम की दूसरी तरफ से लोग चेयर भी करेंगे, प्रेज भी करेंगे, आपको आउट करने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन इन द एंड देखें, एज अ प्लेयर मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आप जब ग्राउंड के अंदर चले जाते हैं तो आप फिर रिश्तों के लिए नहीं खेलते, फिर आप अपनी जात के लिए खेलते हैं। तो कोशिश हमेशा यही रहती है कि परफॉर्मेंस दी जाए ग्राउंड के अंदर। और देखिए, रोप के बाहर की जिंदगी अलग है, वो हमेशा से सरफराज भाई अबू इन सबकी रिस्पेक्ट है, और रोप के अंदर एक डिफरेंट चीज है। जब आप रोप के अंदर जाते हैं तो फिर आप अपनी टीम के लिए खेलते हैं। अच्छा, कुछ बात होती है क्वेटा के लोग आपसे बात करते हैं कि भाई हम तुम्हें मिस कर रहे हैं यार, बड़ा एक हमने एक हीरा हमने जो है वो उठा के जो इस्लामाबाद यूनाइटेड को दे दिया? जी, अक्सर बात होती रहती है नबील भाई से भी और नदीम अंकल से भी बात होती रहती है। बोल देंगे भाई हमने तुम्हें बनाया और अब तुम दूसरी टीम में चले गए हो। तो लेकिन जाहिर सी बात है कि पहला ब्रेक थ्रू जो है वो क्वेटा ने ही दिया था, और हमेशा से मैं इस चीज का शुक्रगुजार रहूंगा कि मेरा जो प्रोफेशनल करियर स्टार्ट हुआ था क्रिकेट में वो क्वेटा की तरफ से हुआ था। ठीक।